बॉक्सिंग डे टेस्ट शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन टिम पेन ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। अब इस फैसले पर अफसोस कर रहे होंगे, करना ही पड़ेगा। इंडियन बॉलर्स ने कमाल की बॉलिंग कर ऑस्ट्रेलिया को बेहद जल्दी शुरुआती झटके दे दिए। सबसे पहले तो बुमराह ने जो बर्न्स को चलता किया, फिर आए रविचंद्रन अश्विन। डेब्यू कर रहे मोहम्मद सिराज को रोककर कैप्टन रहाणे ने नई बॉल उन्हें सौंपी। अश्विन अपने कैप्टन के भरोसे पर खरे उतरे, फटाफट दो विकेट निकाल कर दे दिए। इन विकेट्स में स्टीव स्मिथ का बहुमूल्य विकेट भी शामिल था। स्मिथ जीरो पर आउट हुए, वे अपने करियर में पहली बार भारत के खिलाफ बिना खाता खोले आउट हुए हैं। स्मिथ से पहले अश्विन ने बेहतरीन दिख रहे मैथ्यू वेड को निपटाया। अश्विन के खिलाफ वेड अटैक के मूड में थे, चौका मारने के तुरंत बाद वे क्रीज से निकले। अश्विन को यहां पर टर्न भी मिला और बॉल डिप भी हुई। आगे निकले वेड ने बल्ला चलाया, बॉल ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया। गिल मिड विकेट से और जडेजा मिड ऑन से बॉल की ओर भागे, दोनों आपस में जोर से भिड़ते भिड़ते बचे और ऐसे में भी जडेजा ने अपना बैलेंस बरकरार रखते हुए बेहतरीन कैच लपका। मैथ्यू वेड वापस हो लिए, अब तीसरे नंबर पर आए स्टीव स्मिथ पर प्रेशर बढ़ा। अश्विन को इसका फायदा भी मिला। 13वें ओवर में वेड को निपटाने वाले अश्विन 15वां ओवर लेकर लौटे। पहली गेंद पर लाबुशेन ने सिंगल लिया, दूसरी पर दो रन बाई की ओर आए। अब स्टीव स्मिथ 7 गेंदों पर बिना खाता खोले खेल रहे थे। अश्विन ने यह गेंद लेग साइड की ओर डाली, स्मिथ ललचा गए। उन्होंने खाता खोलने की जल्दबाजी दिखाई, बॉल और बल्ले का कनेक्शन भी अच्छा हुआ, लेकिन गेंद सीधे चेतेश्वर पुजारा के हाथ में गई। लेग स्लिप पर पुजारा ने इसे लपका और स्मिथ बिना खाता खोले वापस हो लिए। स्मिथ पहली बार भारत के खिलाफ बिना खाता खोले लौटे। इतना ही नहीं, वे अपने टेस्ट करियर में पहली बार पहली पारी में बिना खाता खोले आउट हुए हैं। इससे पहले पहली पारी में उनका सिंगल डिजिट स्कोर साल 2015 में आया था। नॉटिंघम में हुए इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम 60 रन पर सिमट गई थी। इतना ही नहीं, पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर में 262 गेंदों में स्मिथ को एक बार भी ना आउट कर पाए अश्विन इस टूर पर 5 गेंदों में उन्हें 2 बार निपटा चुके हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी सूरज ने, मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। लटक धरने पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दे, कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात ये है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे, उसमें भी मैं घटता रहे तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुरशी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।